you know, मैं पिछले दो साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा मैं ट्रैवल कर रहा था आउटडोर्स, लेकिन इस बार आई मेड श्योर कि आई हैव टू सी दिस मस्ती एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस मस्ती. बड़ा अच्छा लगा. सुबह सुबह इतने लोगों को उठकर इतना फ्रेश देखकर लगता है कि नो, बोलते हैं कि मुंबई की जो जिंदगी है लोग बड़ा लेट उठते हैं, पर ऐसा लगता नहीं है. मलाड मस्ती और ये मलाड मस्ती मुझे लगता है कि इंस्पायर करनी चाहिए बाकी सब एरियाज को भी, कि ऐसा कुछ शुरू करें जहाँ पर लोग सुबह उठें एक मकसद के लिए. और जो इसके पीछे कॉज असलम भाई ने किया है, यू नो, जो किड्स हैं, जो जनरेशन है, यू नो, मेल न्यूट्रिशन के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि उन तक वो सब चीज़ें पहुंचती हैं जिसके लिए यू नो दे आर लूजिंग देयर लाइव्स. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब. और इतने सारे लोगों को इस चीज़ के लिए एक साथ आते देख कर बड़ा अच्छा लगता है. ऐसा लगता है क्या, जिस तरीके से सोशल मीडिया के यहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा, अगर ऐसे जब इवेंट होता है तो ग्राउंड लेवल पे आते तभी कैसा लगता है? अच्छा. इनफैक्ट यू नो, मैं अपनी फैमिली में सबको यही बोल रहा था कि इतने लोग सुबह सुबह उठ कर आते हैं. आज जब लोग सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं सारा दिन, टेलीफोन्स पे अगर पांच लोग बैठे रहे तो अपने फोन्स पर बिजी रहते हैं. तो आई थिंक ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर लोग भूल जाते हैं कि यू नो आप अपने फोन्स देखते रहें और सब एक साथ मिलकर इंजॉय करते हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यू नो मात्रा में होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि वो ये प्लेटफॉर्म मिलता रहे लोगों को इंटरेक्ट करने का. अभी जस्ट जिम की बात की गई जी, क्या लगता है फिटनेस के बारे में कि फिटनेस कम होते जा रहा है क्या और लाइफस्टाइल बदलते जा रही है क्या? देखिए कम जरूर हो रहा है. मैं इनफैक्ट अपनी भी अपनी सोसाइटी में, मैंने अभी क्रिकेट पिच बनवाया, पूरे नेट्स बनाए, लाइट्स बनाई, तो थोड़ा झगड़ा भी हुआ. आई मीन थोड़ा सोसाइटीज वालों के अपने अपने कहने होते हैं, बट आई थिंक किसी न किसी को इनिशिएटिव जरूर लेना पड़ेगा. आप सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते लोगों का कि सब बने. आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह की फिटनेस आउटडोर एक्टिविटीज के लिए पेरेंट्स बच्चों को इंस्पायर करें. जलीन जी आप बताइए, आप मलाड मस्ती में आप आई हैं, आप बहुत अच्छा लग रहा है जैसा सोनू ने यहाँ पे बताया कि यू नो लग ही नहीं रहा है कि इतनी सुबह सुबह का ये इवेंट है, ऐसे लग रहा है कि शाम हो गई है पता नहीं. क्योंकि मैं पर्सनली संडे को आराम से सो के उठना पसंद करती हूँ, बट यहाँ पे लोग यू नो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. और इन्हीं सब के वजह से आज हम हैं, क्योंकि ये हमारे फैंस हैं, इनके साथ यू नो कनेक्टिविटी का मौका हमें आज असलम जी ने दिया है. और ये बस सिर्फ ऐवई एक इवेंट नहीं हमने यहाँ पे किया है, ये इसका जो मकसद है, इसका जो कॉज है ये इवेंट करने का, वो बहुत ही स्पेशल है. मेल न्यूट्रिशन के खिलाफ ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं जो असलम जी ने, जिस वजह से आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. और मैं बस बहुत खुश हूँ यहाँ पे होके, और आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट. असलम जी ने जब आपको इनवाइट किया इस इवेंट के लिए संडे की मॉर्निंग में, तो आपके दिमाग में क्या था, क्या क्राउड होगा और किस तरह का इवेंट होगा, आपने कुछ सोचा? मुझे कुछ आइडिया नहीं था. मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मलाड में ऑनेस्टली ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और मैंने इस बारे में, इस इवेंट के बारे में सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ह्यूज, इतने ग्रैंड स्केल पे होता है. सो ये अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया. हमको तो पूरी गारंटी थी कि बहुत सारा क्राउड होगा, बिकॉज असलम भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, असलम भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट आई हैव हर्ड सच गुड थिंग्स अबाउट हिम सभी लोगों से, जितने मेरे दोस्त हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी में असलम जी के लिए काम भी करते हैं, और ही इज़ डन वंडर्स. और जो किसी भी कॉज के लिए करें, सभी लोगों का ऑल विल बी देयर फॉर हमेशा. फिटनेस को लेकर इतना भावुक हो गए कि भारती को लाने की बात करने लगे आप? हाँ बिल्कुल, उसको तो लाना चाहिए क्योंकि वो वो बस जाती है जिम में, इंस्ट्रक्टर से दोस्ती है उसकी, फोटो पे क्लिक करके फिर भाग जाती है. तो मेरा तो कभी कभी ऐसा हाल होता है, मैं सैटरडे को सोता हूँ मंडे को उठता हूँ, तो आज मुझे संडे उठ के बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह. और संडे भी होता है, और अभी उठ के जिम जाने वाला हूँ मैं भी, और मैं भी आजकल थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ. तो लेकिन वही भाई और सबको देख के, जब कृष्णा वहाँ पे गए तो मेरे दोस्तों वही बोल रहे थे, कहते कृष्णा बहुत फिट हो गया. मैंने बोला कि आजकल वर्कआउट कर रहे हैं, और अभी यहाँ से डायरेक्टली मैं जिम जाने वाला हूँ वर्कआउट करने के. तो ये अच्छी बात है, ये बात आ रही है कि संडे को जिम बंद है, पर जाके देखने वाला हूँ जिम. मैं भी फोटो खिंचवा लूँ ना इंस्टाग्राम. जरीन जी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, महाराष्ट्र में कहीं गए थे किसी कार्यक्रम में, आपने किसी को थप्पड़ मारा पीछे जी, वो क्या था? वो दो दिन पहले मैं औरंगाबाद में एक मोबाइल फोन स्टोर के लॉन्च में गई थी, वहाँ
वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो कंट्रोल नहीं हो रही थी पुलिस के आने पे भी ये भी। और एक बहुत ही बुरी बात हो जाती है, यू नो, हम अपनी कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट और मी टू मूवमेंट और सब के बारे में बात करते हैं, बट लोगों को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो थप्पड़ इसलिए था क्योंकि लोग वहाँ पे जो क्राउड था फ़ायदा उठा के मुझे इनअप्रोप्रिएटली छूने की कोशिश कर रहे थे। एंड मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि डर के चुपके रोना शुरू करूँ। I took matters and I decided to be the person. Of course, I mean, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो तुमको कोई आने वाला नहीं है बचाने के लिए, तो I think every girl has to fight for herself. अरे कोई तैयारी नहीं है, तो पता भी नहीं कहाँ, ढंग से ब्रश भी नहीं किया है, और मैं ऐसा भागा हूँ घर से क्योंकि मैं बहुत लेट नाइट सोता हूँ। लेकिन असलम भाई से हमारी दोस्ती है, प्यार है, और यहाँ पर हर 4 संडे ये हुआ है, तो अच्छी बात है। असलम भाई ने भी चॉइस दे दिए थे, कोई भी एक संडे तो तेरे को आना ही है, तो मुझे पता है कि मलाड मस्ती है और क्राउड डेफिनेटली होना था। असलम भाई को सब बहुत प्यार करते हैं, और मैं जैसा कि मैंने कहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उन्होंने इज डन अ लॉट, बहुत अच्छा काम किया है, और सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक होता है, कभी कभी पॉलिटिशियन के लिए लोग ऐसे ही आ जाते हैं, और कभी किसी के लिए किसी को प्यार करते हैं तो आते हैं, तो असलम भाई से हम लोगों को प्यार है, तो इसीलिए इतने सारे लोग जो हैं उनके लिए जमा हुए। तो मस्ती के साथ जिस तरह से सोशल कॉज और कुपोषण को लेकर भी लोगों को एक मैसेज, देखिए मेरा एक मानना है कि चाहे कोई भी कॉज हो, चाहे ये कॉज हो दूसरा कॉज हो, एक आवाज़ उठनी बहुत ज़रूरी है, तो और एक इंस्पिरेशन मिलना। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी सोनू जी बोल रहे थे कि आज संडे है, आज सब लोग, हम लोग जल्दी उठ गए, तो आज मैं जल्दी उठाऊँ तो लकीली अभी सीधा यहाँ से जिम जाने वाला हूँ, और लोगों को देखकर भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे मैं सोनू, मेरे दोस्त हैं सोनू सूद, तो उनको भी देखता है, यार इतनी अच्छी बॉडी बनाई यार, मैं पहले से थोड़ा पतला हो गया हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं यार मैं और हार्ड वर्क करूँगा। तो ऐसे ही लोगों को देख के लोगों में अवेयरनेस जागेगी लोग, और आज की डेट में बात फैक्ट है कि सबके सर जो है ना वो झुके हुए ही रहते हैं, 24 घंटा इसी के ऊपर रहते हैं, या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो हिंदुस्तानियों ने सर झुका लिया है अभी, तो अभी सर मेरे ख्याल से उठाना चाहिए, बाहर उठो और बाहर देखो कहाँ है क्या हो रहा है। तो सिर्फ जिम की बात नहीं कर रहा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, सबको फिट रहना चाहिए, आप जितना फिट रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है, और जो काम करेंगे वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। जो पब्लिक है वो सेलिब्रिटी को इतना प्यार देती है, इतना मानती है, उनकी बातों को ज़्यादा समझती है, तो जिस तरह से आपने बताया कि असलम जी आपके दोस्त हैं, आप यहाँ पर उनके सपोर्ट के लिए आए, तो ऐसे हर सेलिब्रिटी को आगे आना चाहिए लोगों के। डेफिनेटली आना चाहिए, इसलिए हम अकेले नहीं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं एक कॉज के लिए आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री और बेहतर हो। और मैं इसके बारे में इसलिए और कह सकता हूँ, मेरे एक शो आता है OMG है मेरा इंडिया हिस्ट्री TV पे, जो कि बहुत इज़ डूइंग वेरी वेल, उसमें मैं इंडिया के बारे में बताता हूँ और यहाँ के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में कि क्या इनोवेशंस हैं, और इंडिया कितना बेटर और अच्छा बनता जा रहा है। तो आई थिंक हम जितने फिट रहेंगे उतना बेस्ट रहेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अपकमिंग तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी आ रहा है कपिल में, और भारती तीनों साथ में आ रहे हैं, कपिल शर्मा शो 29 से शुरू हो रहा है, और हमने कुछ एपिसोड शूट किए हैं अभी सलमान भाई के साथ में, कल ही ट्वीट एक गया है, कल ट्वीट गया हमारा सलमान भाई का, तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। वो पुराना कॉम्बिनेशन, शादी हुई है क्या कहना? मैं अभी कल ही आया हूँ कपिल की शादी से, इसलिए 5 दिन में सोया भी नहीं था, इसलिए आज भी उठना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कपिल शर्मा के लिए सेकंड इनिंग है लाइफ में भी, और टीवी पे भी। देखिए इनिंग विनिंग तो चलती रहती है, वो आती जाती रहती है, सबसे अच्छी बात है कि हम सस्टेन कर गए, नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, एक साल शो आते हैं, फिर आदमी कहीं गांव में, कभी कोई किधर, फिर कोई मलाड में, कोई कांदीवली में, और कोई विरार में, तो उसके बाद पता नहीं होता है। लेकिन सस्टेन करना, इतने सालों से एंटरटेन करना, एंड थैंक्स टू द ऑडियंस और सब आप ही सब लोगों को कि हमने हार्ड वर्क करते हैं और आज तक सस्टेन करें, 10-12 साल हो गए कपिल को, मुझको, भारती को, साथ में काम करते, और अभी भी इतना बड़ा शो हमारा आ रहा है, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, हमने एपिसोड शूट किए, देखना आप लोगों को बहुत मजा आएगा। कृष्णा जी, माल न्यूट्रिशन एथलेटिस के बारे में, ये जो मतलब अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं असलम जी, तो उसके बारे में अगर आप कोई लोगों को हेल्थ टिप्स देना चाहोगे, फिटनेस की कुछ अवॉइड करना है, अपने आप को फिट रखना है।
देखिए मैं अभी इतना अभी सोनू भाई सबसे अच्छे टिप्स देंगे आप लोगों को फिजिकली, लेकिन मेरा एक चीज़ का मानना है जो मेरे खुद पे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपको उठ के सबसे पहले जिम जाना पड़ेगा, सबसे उठ के आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो बहुत लोग जो है ना जो टाल देते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब बनाते हैं, अभी सब बनाएंगे 31 तारीख को, आप भी बनाओगे कि अगले साल मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगले साल मैं थोड़ा अल्कोहल कम करूँगा, अगले साल मैं थोड़ा जिम जाऊँगा, लेकिन वो ना वो अगला साल करते करते ऐसे कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन अटैक आ जाता है आदमी को, अरे इतने साल हमने जो इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया है, और फिर हॉस्पिटल में जाके फिर आदमी सुधरता है। तो मेरा टिप यही है कि आप उठिए एंड जस्ट गो जिम में, भले जाके 10 दिन बैठो, लोगों को देखो, जब आप देखोगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जैसे ये जो कॉज जिसके लिए अभी हम लोग स्टेज पे खड़े थे, इतना सब हम बोले जा रहे हैं, तो अच्छी बात है कुछ आज लोगों के दिमाग में बात गई होगी यार कि नहीं ये होना चाहिए, तो वो इंस्पिरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी थोड़े टाइम में 4 पैक तो बना ही लूँ और मैं भी इंस्पिरेशन बनूँ। यार कृष्णा पहले थोड़ा ज़्यादा भारी था, अब लेकिन फिट हो गया। हाँ मैं डिसिप्लिन है ज़रूरी, इतना कितना है हमारी ज़िंदगी में। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द फैबुलस एफर्ट्स बाय असलम शेख जी, उनकी पूरी टीम से, जिनकी वजह से हम जैसे लोगों को, यानी हम एक्टर्स को आम लोगों के साथ कनेक्ट होने का एक मौका मिलता है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। और इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि संडे को होता है बिकॉज ट्रैफिक बहुत कम होता है और मुझे बहुत ईजी हो जाता है आने के लिए। सो या दैट्स इट, थैंक यू। जैसे कि अवेयरनेस की जा रही है अर्थराइटिस के बारे में और कुपोषण के बारे में, तो उसके बारे में आप कुछ हेल्थ टिप्स कुछ? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली, खाना क्या खाना है वो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हैं। तो आई थिंक न्यूट्रिशन एक अलग ही मुद्दा है, सिर्फ जिम जाना है सब कुछ नहीं होता, क्या खाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, प्लीज़ टोबैको अल्कोहल और स्मोक से दूर रहें, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में ना कभी वो ट्राई भी किया नहीं है। तो अगर मैं बिना कोशिश किए बिना कुछ ये सब किए हुए अगर मैं कुछ एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की तरफ जा सकता हूँ तो आई एम श्योर कोई भी बच्चा जा सकता है। एंड एज लॉन्ग एज ये जो प्रोग्राम है माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड एफर्ट और ये आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों से ही ये चलेगा। हम या कोई भी अगर इस प्रोग्राम को लेकर आए लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट ना करें तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होगा। सो प्लीज़ ईट वेरी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। यस, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बॉलीवुड मैं अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 8 फिल्में कर ली हैं साउथ इंडस्ट्री, यानी कि तेलुगु तमिल और कन्नड़ इंडस्ट्री में एज अ विलन, लेकिन अब पहली बार मैं अपना कदम रखने जा रहा हूँ एज अ हीरो साउथ इंडस्ट्री में, यानी कि तेलुगु तमिल और कन्नड़ तीनों इंडस्ट्रीज में एज अ हीरो पहली बार आऊँगा मैं। और इसके बाद मेरी मराठी मूवी एक आ रही है, पहला मराठी डेब्यू हो रहा है मेरा जिसमें बेबान नाम की फिल्म है जिसमें एज अ हीरो आ रहा हूँ। और सिंघम 3 अभी ऑन फ्लोर जाने वाली है जो तमिल एस3 की हिंदी रीमेक है, तो वो अभी ऑन फ्लोर जाने के लिए फुल सज्ज हूँ मैं। तो देखते हैं, मोस्टली यू नो आई थिंक वो एक बार फ्लोर पे चले जाए तब उसके बारे में मैं बोल पाऊंगा, अभी नहीं बोल पाऊंगा, बहुत टेम्प्ट हो गया लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मेरी अक्सर फ्लाइट रहती है और बट वो अलग काम के लिए सुबह उठता हूँ, आज मैं अलग काम के लिए सुबह उठा हूँ। आज आई थिंक दिस कॉज और हमारे भाई असलम जी, उन्होंने जो इतना अच्छा कॉज, और आई थिंक वो हर साल ये करवाते हैं, और हम सबको ऐसे कॉज के साथ जुड़ना चाहिए ताकि जैसे हम पेट भर के खाना खा रहे हैं, जैसे हम सब खुश रह रहे हैं, ऐसे जिनको खाना नहीं मिलता या जो जो लोगों को ज़रूरत है हम जैसे लोगों की, क्योंकि भगवान ने हमें कुछ स्पेशल चीज़ दी है और हमें चाहिए वो बांट के खाएं, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि हमारी ही कंट्री ग्रो हो, हमारे ही बच्चे या कोई भी भूखा ना सोए या कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे लाइफ में। आपने अपने गानों से पंजाबी सॉन्ग से लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, तो आगे किस तरह की तैयारी, आगे किस तरह के सॉन्ग और न्यू प्रोजेक्ट के साथ लोगों के बीच आ रहे हैं? ऐसे सॉन्ग रहेंगे जैसे मैं गाता हूँ, लैंग्वेज तो चेंज नहीं होगी, लैंग्वेज ये पंजाबी हिंदी रहेगी और फिल्मों में गाने हैं, सिंगल्स हैं। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट और सॉन्ग? सो मेनी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग अभी, बट आई थिंक उसके लिए बात मत करो, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। गाने तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये इवेंट कभी कभी होते हैं, हमें ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे मैं सिंगर हूँ चाहे नहीं भी हूँ, फिर भी ऐसे जो कॉल
कॉजेज हैं इनको सपोर्ट करनी चाहिए और हम सबको दिल से सब आप सबको भी करनी चाहिए। आप अकेला वीडियो बना के मत चले जाना, आप भी ऐसे कॉज के साथ जुड़ो ताकि इट्स नॉट अबाउट न्यूज़, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना छाप रहे हो या कितना दिखा रहे हो ये चीज़, इट्स अबाउट आप कितना कर रहे हो। मैंने करा था ना, तभी तो मैं बच्चों को अभी सही चीज बता रहा हूँ कि गलत मत करो, टाइम मत खराब करो, क्योंकि अगर टाइम खराब करोगे तो वो जो एज 16 से 22 23 साल तक का है, इसी में आप ग्रो करते हो, इसी में आप अपने आप को अच्छे से गाइड कर सकते हो और अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो। तो वो गलत करा था मैंने, तो मैं तभी सबको बोलता हूँ कि मत करो ताकि आप अपना ड्रीम पूरा कर सको।